नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 1 फरवरी और आज की जो 8 बड़ी वैकेंसी है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की 8 बड़ी भर्ती के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया से आया है, यानी कि अगर आप किसी भी राज्य से हो, महिला पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिग्री या तो फिर डिप्लोमा की है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा मेरिट के बेसिस पे भर्ती होगा। और कुछ वैकेंसी ऐसा है दोस्तों जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज की 8 बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। यहाँ पे मल्टी टास्किंग टास्क पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 10,000 यहाँ पे लगभग वैकेंसी है। आपका पे स्केल हो जाएगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपए। क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें 18 से लेकर 25 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी दोस्तों, UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका होगा दोस्तों रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू। एप्लीकेशन जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा ऑल इंडिया में। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का 18 मार्च को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे इंडियन पोस्टल सर्किल की तरफ से आया है। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3,679 है। पे स्केल आपका हो जाएगा 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर 40 साल। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, UR, OBC, EWS मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू हेड पोस्ट ऑफिस। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब सिलेक्शन आपका हो जाएगा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लास्ट डेट 26 फरवरी को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कांस्टेबल के लिए दोस्तों यहाँ पे 8,632 पोस्ट और SI के लिए दोस्तों 1,088 पोस्ट यहाँ पे है। टोटल 9,720 वैकेंसी है। पे स्केल आपका हो जाएगा 22,700 से लेकर 82,900 रुपये। क्वालिफिकेशन 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट डिग्री रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर 27 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, ऑल कैटेगरी ऑफ WB यहाँ पे 270 रखा गया है पोस्ट वाइज। और SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे केवल 20 रुपये रखा गया है। आपको पेमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की तरफ आप कर सकते हो। सिलेक्शन आपका प्रीलिम एग्जाम, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फाइनल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पर्सनलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप कर सकते हो। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 20 फरवरी को रखा गया है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 545 है। पे स्केल आपका हो जाएगा 37,900 से लेकर 70,850 रुपये। क्वालिफिकेशन एनी डिग्री रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 30 साल। वही दोस्तों अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ पे दोस्तों एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, दोस्तों यहाँ पे GM, OBC, 2A, 2B, 3A, 3B के लिए 500 रुपये। और वही दोस्तों अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखा गया है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू होगा। हाइट की दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, सर्विस कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 86 सेंटीमीटर रखा गया है। वेट की दोस्तों अगर हम बात करें, 45 kg रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों रनिंग होगा 1600 मीटर 7 मिनट पे मेल के लिए और फीमेल के लिए 400 मीटर 2 मिनट 10 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगा 3 चांस में मेल के लिए 3.8 मीटर और फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे 2.5 मीटर। शॉर्ट पुट होगा 3 चांस में मेल के लिए 5.60 मीटर, वही दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल के लिए 3.75 मीटर। हाई जंप होगा दोस्तों मेल के लिए 1.2 मीटर और वही दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल के लिए 0.9 मीटर।
अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा कर्नाटका में। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 24 फरवरी को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से आए, यहाँ पे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 90 है। पे स्केल आपका हो जाएगा 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है। एज लिमिट 16.5 से लेकर 19.5 साल रखा गया है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन आपका SSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा ऑल इंडिया में। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 2 मार्च को रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि बिजली विभाग की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है। पे स्केल आपका हो जाएगा 44,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रखा गया है। एज लिमिट 40 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे 700 रुपये रखा गया। अदर स्टेट के लिए दोस्तों 1,000 रुपये रखा गया। पेमेंट आपको करना पड़ेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा UP में। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे रखा गया है 23 फरवरी को। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से आई, यहाँ पे स्पोर्ट कोटा ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। पे स्केल आपका हो जाएगा 5,200 से लेकर 20,200 रुपये। क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये रखा गया है। वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दोस्तों 250 रुपये रखा गया है। सिलेक्शन आपका स्पोर्ट्स स्टाइल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू होगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा ऑल इंडिया में। लास्ट दोस्तों यहाँ पे 23 फरवरी को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे लोकोमोटिव वर्क इंडियन रेलवे की तरफ से आया है। ITI अप्रेंटिसशिप और नॉन ITI अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 374 है। पे स्केल आपका एज पर रूल के हिसाब से मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास और ITI के लिए 10वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की दोस्तों अगर हम बात करें 15 से लेकर 24 साल रखा गया है एज पर पोस्ट के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों अगर आप नॉन ITI तो 22 साल और ITI के लिए दोस्तों यहाँ पे 24 साल रखा गया है। एप्लीकेशन फी की दोस्तों अगर हम बात करें फॉर अदर के लिए यहाँ पे 100 रुपये और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। पेमेंट आपको करना पड़ेगा थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा UP में। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे रखा गया अप्लाई करने का 15 फरवरी और पेमेंट करने का 17 फरवरी रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है आप मुझे कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा।